तृतीय स्कंद अध्याय 21 से आज शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही विशेष ये सत्र शुरू होने वाला है, जहाँ हम कर्दम देवोहूति के विवाह, उनके गृहस्थ जीवन का पाठ करने वाले हैं, और आगे कपिल मुनि का जन्म और कपिल मुनि की शिक्षाएं उनकी माता को, ये भी इसके आगे आएगा। श्लोक संख्या 1। विदुर उवाच स्वयंभुवस्य च मनोर्वंश परम सम्मतः कथयतां भगवान् यत्र मैथुने नैधीरे प्रजा। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। विदुर ने कहा, स्वभू मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय थी। हे पूज्य ऋषि, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वंश का वर्णन करें जिसकी संतति वृद्धि सम्मुख के द्वारा हुई है। हरे कृष्ण प्रभु। तो ऊपर कई जो संतानें हुई हैं, जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए हैं, बुद्धि से पुत्र हुए हैं इत्यादि, लेकिन जो पिता माता के संभोग से जो आगे संतान उत्पत्तियां हुई, उन प्रजापतियों से किस तरह विस्तार हुआ, यह अंश के माध्यम से स्वयंभू मनु के परिवार के बारे में जानना चाहते हैं विदुर, कि स्वयंभू मनु का वंश की परंपरावली कैसे आगे बढ़ी। तात्पर्य नहीं तो माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित विषय जीवन अपनाना चाहिए। वास्तव में विदुर ऐसे व्यक्तियों का इतिहास सुनने के लिए इच्छुक नहीं थे जो विषय जीवन बिता रहे थे, और वे तो स्वयंभूत मनु मनु की संतति के विषय में जानना चाहते थे, क्योंकि इस वंश में अनेक भक्त राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा का पालन आत्मज्ञान के साथ एवं अत्यंत सावधानी पूर्वक किया था। अतः उसके कार्यकलापों का इतिहास सुनकर मनुष्य अधिक प्रबुद्ध का बन सकता है। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण शब्द परम सम्मत आया है, जिससे संकेत मिलता है कि स्वयंभू मनु तथा उनके पुत्रों की संतति बड़े बड़े अधिकारियों को स्वीकार थी। दूसरे शब्दों में आदर्श संतान उत्पन्न करने के लिए विषयी जीवन की मान्यता सभी ऋषि तथा वैदिक धर्म ग्रंथों के अधिकारी देते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति पेड़ देख करके उसके पास जाता है, आम के पेड़ के पास हम इसलिए जाते हैं कि हमको पता है कि आम के फल मिलेंगे। हम अमरूद के पेड़ के पास इसलिए जाते हैं, हमको पता है अमरूद के फल। कोई कांटों की झाड़ियों में इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसको पता है वहां जाके हमको कांटे लगेंगे। उसी तरह विदुर की इच्छा है स्वयंभू मनु के वंश के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इनकी संतान धार्मिक ही होगी, इनकी संतान आध्यात्मिक रूप से उत्कृष्ट होगी ही, इसलिए उनके वंश के बारे में जानना चाहते हैं। इस प्रकार जब धर्म परायण माता पिता होते हैं तो उनके घर में संतान भी बड़ी धर्म परायण होती है, और उनके बारे में विदुर जानना चाहते हैं। प्रियाव्रतो तान पादौ सुतौ स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मम जुगोपतपतु सप्तद्वीपावतिम महिम। प्रशोधन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्वयंभू प्रभु, स्वयंभू मनु के दो पुत्रों प्रियव्रत तथा उत्तान ने धार्मिक नियमानुसार सप्त द्वीपों वाले इस संसार पर राज्य किया। तात्पर्य पढ़े प्रभु तो जी। दो दो संतानें उनकी महाराज मनु की हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े भाई हैं, उत्तानपाद छोटे भाई हैं। इन दोनों के विषय में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन विदुर उनके बारे में बता रहे हैं कि हमने सुना है कि उन्होंने इस सप्तद्वीपों वाले संसार के ऊपर पूर्ण संसार के ऊपर राज्य किया। पूरे भूमंडल के ऊपर उन्होंने राज्य किया, जिसमें सप्त समुद्र हैं,
ये पंचम स्कंद में विस्तार से बताया गया है। तात्पर्य योगिता शर्मा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में शासन करने वाले महान राजाओं का इतिहास भी है। इस श्लोक में स्वयंभू के दो पुत्रों प्रियव्रत तथा उत्तानपाद के नामों का उल्लेख है। माता जी म्यूट हो गई गलती से। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी। उन्होंने इस पृथ्वी पर राज्य किया जो 7 द्वीपों में विभक्त थे। ये 7ों द्वीप आज भी हैं, यथा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में समस्त भारतीय राजाओं का तिथिवार इतिहास नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण राजाओं के कार्यों का, जैसे प्रियव्रत तथा उत्तानपाद और कई अन्यों का, यथा भगवान रामचंद्र तथा महाराज युधिष्ठिर का लेखा जोखा मिलता है, क्योंकि ऐसे पवित्र राजाओं के कार्यकलाप सुनने योग्य है और मनुष्य उनके इतिहासों को पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हमने प्रथम स्कंद में देखा था, जब शौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को प्रार्थना की थी, उन्होंने यही बोला था कि ऐसे चरित्र सुनाइए जो भगवान कृष्ण और बलराम से संबंधित हो। तो ये भागवत में कई राजाओं का वर्णन है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि जब उनकी कथा भगवान से संबंधित है, इसलिए ही महाराज परीक्षित को सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने, या सुत गोस्वामी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई। अनर्गल इतिहास भागवत में नहीं है। जितने भी राजाओं का वर्णन है या जितने भी अवतारों का वर्णन है, उनका उद्देश्य है व्यक्ति की कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाना। तस्य वै दुहता ब्रह्मन् देवहूति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य तुया नघा। इसका प्रमाण क्या है? आगे विदुर का प्रश्न। अभी कर्दम मुनि के इतिहास को पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके घर में कपिल मुनि कपिल मुनि का अवतार हुआ। भगवान कपिल मुनि भगवान विष्णु के ही रूप है। तो इस प्रकार से, क्योंकि उनका इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए, उनकी बहुत सारे विवाह हुए, फिर बात तपस्या की, बहुत सारा ऐसा इतिहास है। सबका वर्णन भागवत में नहीं है। कर्दम मुनि देवहूति का वर्णन क्यों है? आगे जाके भगवान उनके घर में जन्म लिए, तो उस प्रकार से उनका पूरा चरित्र हमारे लिए बड़ा आदर्शवान है। तात्पर्य प्रमोदानंद प्रभु जी हरे कृष्ण अनुवाद अनुवाद दंड प्रणाम। हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप पाप विहीन पुरुष, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति ऋषि कर्दम की पत्नी देवहूति थी। हरे कृष्ण। तो अभी विदुर का इंटरेस्ट है स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के विषय में सुनने के लिए। तात्पर्य संजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ हम स्वयंभू मनु के विषय में चर्चा कर रहे हैं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता में वैवस्वत मनु का वर्णन है। आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है। स्वयंभू मनु इसके पूर्व राज्य कर रहे थे और उनका इतिहास वराह युग से, अर्थात जब भगवान शुक्र रूप में प्रकट हुए, तब से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के जीवन काल में कुछ विशिष्ट घटनाएं घटती हैं। श्रीमद् भगवत गीता का वैवस्वत मनु स्वयंभू मनु से भिन्न है। हरे कृष्ण। तो ये 14 मनु, इन इनके कार्यकाल को मन्वंतर बोला जाता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्वंतर होते हैं। हमको ये भी पता है ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, तो लगभग 72 चतुर्युग एक मन्वंतर में होते हैं। तो ये स्वयंभू मनु प्रथम मनु है जिनके विषय में बात चल रही है, और आगे अभी हम जिस मन्वंतर में चल रहे हैं, सप्तम मन्वंतर में, वह वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है, जिसमें देवस्वान के पुत्र यानी कि भगवान सूर्य देव के पुत्र मनु अभी मनु की गद्दी पर है। तस्याम सा वै महायोगी युक्तायम योग लक्षणै ससर्ज कतिधा वीर्यम तन्मे शुश्रूषवे वदा। आरती महेश्वरी माता जी पढ़िए। उस महायोगी ने, जिसे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी, इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की। कृपा करके आप मुझे यह बताएं
क्योंकि मैं इसे सुनने को उत्सुक हूँ। हरे कृष्णा। तो अभी वह ये सुनना चाहते हैं कि उनकी संतानें कैसी हुई, क्योंकि आप दिशा देखिए, धीरे 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 उनकी संतान, मतलब कपिल मुनि के विषय में सुनना चाहते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कि उनकी संतानें कैसी हुई, किस तरह से उनके योग अभ्यास का पालन हुआ। सुनंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ विदुर ने कंदर्म मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति तथा उनकी संतति के विषय में जिज्ञासा की है। यहाँ बताया गया है कि देवहूति अष्टांग योग में परम निपुण थी। योग क्रिया के अष्टांग अंग इस प्रकार है। फर्स्ट, इंद्रिय निग्रह। सेकंड, विधि विधानों का कठोर पालन। थर्ड, विभिन्न आसनों का अभ्यास। फोर्थ, श्वास का नियंत्रण। फिफ्थ, विषयों पर इंद्रियों को हटाना। सिक्स्थ, मन की एकाग्रता। सेवेंथ, ध्यान तथा एट्थ, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के पश्चात भी आठ और सिद्धि अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें योग सिद्धियां कहते हैं। पति पत्नी दोनों योगाभ्यास में सिद्ध थे। पति महायोगी था और पत्नी योग लक्षण थी। उन दोनों ने संभोग द्वारा संतति उत्पन्न की। पुराकाल में ऋषि तथा मुनि अपने जीवन को पूर्ण बनाने के पश्चात ही संतान का उत्पन्न करते थे, अन्यथा वे ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते थे। आत्म साक्षात्कार तथा योग की सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। वैदिक धर्म ग्रंथों में कभी भी यह संस्तुत नहीं किया गया है कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी चाहे कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करे और किसी दुष्ट के कुछ धन देकर महान ध्यानी बन जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत तो प्रणाम। अभी दीपावली पे आप सभी ने कढ़ाई पर बहुत सारी चीजें तली होंगी। जब तक कढ़ाई पूरी तरह से गर्म नहीं होती है, उसमें आप कुछ भी तलेंगे तो वो वस्तु खराब हो जाएगी। पूरा अच्छी तरह से जब तपती है, फिर उसके अंदर हम कुछ भी सामान तलते हैं, पूरी हो, पकौड़ा हो, कचौड़ी हो, जो भी हो। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति जब तक पूर्ण रूप से तप में नहीं तपता है, जब तक शुद्ध नहीं होता है योग से, तब तक उसके जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये गृहस्थों के लिए भी निर्देशक है, ब्रह्मचारियों के लिए भी निर्देशक है। गृहस्थ इसको ले सकते हैं, जब तक वो योग अभ्यास में नहीं तपेंगे तब तक एक कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति नहीं होगी। ब्रह्मचारी के लिए भी उसी तरह है, जब तक वह तप में, तपस्या में नहीं तपेगा, तब तक उसे भगवत चेतना रूपी पुत्र नहीं होगा, तब तक उसकी चेतना में कृष्ण का अवतार नहीं होगा। तो ये सभी के लिए लागू है कि उन्हें अपनी तपस्या में, साधना में तपना होता है। पांचो, रुचिर जो भगवान ब्रह्म दक्षो वा ब्राह्मण सुता यथा सस्रज भूतानि लब्धा भार्यां च मानवी। अनीता सबले माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे ऋषि, कृपा करके मुझे बताइए कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा ऋषि ने स्वयंभू मनु मनु की अन्य दो कन्याओं को पति रूप में प्राप्त करने करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न की। हरे कृष्ण। तो बाद में दूसरी कन्या रुचि दक्ष को ब्याही और दक्ष के साथ उन्होंने फिर और संतान उत्पत्ति की, तो उस विषय में भी जानना चाहते हैं। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वे महापुरुष जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में संतान वृद्धि में योगदान किया प्रजापति कहलाते हैं। ब्रह्मा भी प्रजापति कहलाते हैं और ऐसे ही उनके बाद आए उनके पुत्र भी। स्वयंभू मनु भी प्रजापति हैं तथा ऐसे ही ब्रह्मा के अन्य पुत्र दक्ष व रुचि भी। स्वयंभू मनु की दो कन्याएं थी, आकुति तथा प्रसूति। प्रजापति रुचि ने आकुति के साथ और दक्ष ने प्रसूति के साथ विवाह किया। इन जोड़ियों तथा इनकी संतानों ने समग्र ब्रह्मांड को बसाने हेतु अनेक संतानें उत्पन्न की। यह विदुर का प्रश्न था, उन्होंने प्रारंभ में किस प्रकार संततियां उत्पन्न की। तो ये आगे उनकी जो बाकी दो कन्याएं हैं, प्रसूति और आकुति, इनके विषय में भी सुनना है। तो तीन बहनें हैं, देवहूति, आकुति, प्रसूति। अभी हम इनके ही परिवार के विषय में पढ़ने वाले हैं आगे। देवहूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत, पांच बहन भाई हैं स्वयंभू मनु के। इनकी
वंशावली का वर्णन पढ़ते पढ़ते हम अभी आगे के तीन स्कंद पढ़ने वाले, तीन नहीं ढाई स्कंद लगभग, क्योंकि आधा स्कंद हमारा हो गया है, तीसरा तीसरा आधा जो बचा हुआ है, चौथा पूरा और पांचवा पूरा, यह स्कंद अभी हम पूरा इन तीनों के ही विषय में पढ़ने वाले हैं, ये पांचों बहन भाई के विषय में, आकुति प्रसूति देवोहूति उत्तानपाद प्रियव्रत, इन पांचों की वंशावली के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान कर्दम कर्दमो ब्राह्मणो पिता सरसख्यतां तपस्तेपे सहस्रानां समादशा। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महान ऋषि श्री मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया, ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर के पूज्य श्री कदर मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। हरे कृष्ण, तो आगे बोलो। ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को यह आदेश दिया कि आप आगे प्रजापति रूप से संतानों की उत्पत्ति कीजिए। ये आदेश कर्दम मुनि को मिला। और जैसा कि मैं ये बता रहा था, अगर कोई वास्तव में कृष्ण भावना भावे संतान की उत्पत्ति करना चाहता है तो उसको अपने जीवन में तपस्या का अभ्यास होना चाहिए। जब तक वह आध्यात्मिक रूप से तपेगा नहीं, तब तक वह कृष्ण भावना भावे संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। नहीं तो संतान तो जानवर भी उत्पन्न करते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उन्नत इस तरह से तपस्या के बाद ही होता है। तो 10,000 वर्षों तक कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के ऊपर कठोर तपस्या की। तात्पर्य, रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पर यह पता चलता है कि सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक योग में ध्यान धारण किया है। इसी प्रकार हमें ज्ञात होता है कि वाल्मीकि मुनि ने भी सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व 60,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः योगाभ्यास को सफलता पूर्वक वे ही संपन्न कर सकते हैं जिनका जीवन काफी दीर्घ यथा 1,00,000 वर्ष तक हो। उसी स्थिति में योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा वास्तविक सिद्धि मिलनी दुष्कर है। विधि विधानों का पालन, इंद्रियों का निग्रह तथा विभिन्न आसन करना, ये तो प्रारंभिक अभ्यास मात्र है। हमारी समझ में नहीं आता कि मनुष्य इस निरर्थक योग पद्धति से किस प्रकार आकर्षित हो सकते हैं, जिससे यह बताया जाता है कि प्रतिदिन केवल 15 मिनट का ध्यान धरने से ईश्वर के साथ तादात्म्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह कलयुग धोखा देने तथा झगड़ने का युग है। वस्तुतः ऐसे महत्वहीन प्रस्तावों से योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। उदाहरणार्थ वैदिक साहित्य स्पष्ट रूप से 3 बार बलपूर्वक कहता है कि इस कलयुग में हरि के पवित्र नाम हरे नाम के अतिरिक्त कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। हरे कृष्ण, ऐसा एक भी प्रमाण इतिहास में नहीं है जहां ये बताया हो कि आपने 15 मिनट योग किया हो और योग के माध्यम से भगवान मिल गए हो। ऐसा एक भी इतिहास में उदाहरण नहीं। फिर भी लोग योग के नाम पर पे लोग योग के नाम पर पे धोखा दे रहे हैं। बोलते 15 मिनट आप योग अभ्यास कीजिए, वही अध्यात्म है। अभी तक में जितने भी योग के उदाहरण हमने देखे हैं, चाहे वाल्मीकि ऋषि हो, चाहे कर्दम मुनि हो, चाहे भगवद गीता में भगवान का उपदेश अर्जुन को हो, सब में इतने कठोर नियम है। सबसे पहली बात तो ब्रह्मचर्य इत्यादि कठोर नियम, इंद्रियों का निग्रह तो है ही। दूसरी बात है कि दीर्घ काल तक योग को करना पड़ता है, मतलब हजारों योग तक। जब व्यक्ति की उम्र ही अभी 60-70 रह गई है, उसमें भी उसके पास इतने सारे काम है, योग अभ्यास वो कब करेगा? तो दीर्घ काल तक अगर योग अभ्यास नहीं होगा तो वैसे भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो जितना भी योग के नाम पर भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, शास्त्र में उसका खंडन होता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वास्तव में कलयुग में पवित्र भगवत नाम का जप ही हमारा तप है। कोई रोज हरि नाम का जप करे, सुबह उठ करके भगवान का पवित्र नाम का जप करना ही है तप है। ठीक प्रकार से सुनना, गंभीरता सुनना। अभी आधा कार्तिक मास निकल गया है और हमारा उत्साह पूरा निकल गया है। आज सुबह मैं देख रहा था जपा सेशन में 25 भक्त हैं, तो कार्तिक मास आधा निकला, हमारा उत्साह पूरा निकल गया। शुरू शुरू में सब भक्त तो बहुत बढ़ चढ़ के जब सेशन में भाग ले रहे थे। यही तपस्या हमारे लिए बहुत बड़ी तपस्या है।
कि हम हरि नाम का जप करने में सुबह उठ करके पवित्र भगवत नाम का जप करें। ये हम अगर कर लेंगे तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में हरि नाम का आश्रय लेते हुए हम आगे बढ़े। योग कर्दा मुनि जैसा हम वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तथा समाधि युक्ते न क्रिया योगे न कर्दमा संप्रपीदे हरिम भक्त्या प्रपन्ना वरदा सुषम। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समाधि काल में कर्दम मुनि ने समाधि में अपनी भक्ति तथा द्वारा शरणागतों को तुरंत समस्त वर देने वाले श्री भगवान की आराधना की। हरे कृष्ण। तो यहाँ भी यह स्पष्ट है कि जो उन्होंने योग और साधना ध्यान किया वो श्री भगवान के ऊपर किया। ये योग का उद्देश्य है भगवान से अपनी चेतना को जोड़ना। जो सभी अनगिनत भक्तों का शरण आश्रय है ऐसे भगवान का स्मरण करना योग का ध्येय है। ना कि कोई अपनी केवल सांस के ऊपर ध्यान करे या निराकार के ऊपर ध्यान करे या फिर केवल और केवल अपनी शारीरिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए योग का पालन करे, ये मुख्य योग का ध्येय नहीं है। कर्दम मुनि ने समाधि में बैठ करके भगवान भक्त वत्सल भगवान को ध्यान किया जो अपने भगवान अपने भक्तों को सब सारे वर देने वाले हैं। इसलिए उनका नाम है भरदराज। तात्पर्य सुजाता माता जी। यहाँ पर ध्यान की महत्ता का वर्णन किया गया है। श्री कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु 10,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया। तथा तो कोई चाहे योग का अभ्यास करे या चिंतन करे या ईश्वर का अन्वेषण खोज करे, इन प्रयासों में भक्ति योग की प्रक्रिया मिश्रित की जानी चाहिए। बिना भक्ति योग के कुछ भी पूर्ण नहीं होता। सिद्धि तथा साक्षात्कार का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जो कृष्ण भावनामृत में निरंतर संलग्न रहता है वही सर्वोच्च योगी है। भगवान श्री हरि अपने शरणागत भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। वास्तविक सफलता प्राप्त करने हेतु मनुष्य को भगवान श्री हरि या भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करना होता है। भक्तिमय सेवा अथवा कृष्ण भावनामृत में लगे रहना प्रत्यक्ष विधि है और अन्य सभी विधियां यद्यपि उनकी संस्तुति की जाती है फिर भी अप्रत्यक्ष है। इस कली काल में प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि से अधिक सहज है क्योंकि मनुष्यों का जीवन काल कम होता है, उनकी बुद्धि कमजोर है, वे गरीब हैं और अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त रहते हैं। अतः भगवान श्री चैतन्य ने जो सबसे बड़ा वरदान दिया वह यह है कि आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करने हेतु ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन ही पर्याप्त है। संप्रपीदे शब्दों का अर्थ यह है कि श्री कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपनी भक्ति से अनेक प्रकार से प्रसन्न किया। भक्तियों को क्रिया योगिन शब्द से भी व्यक्त किया जाता है किया गया है। श्री कर्दम मुनि न केवल ध्यान वरन भक्ति योग में भी संलग्न रहते थे। चाहे योग हो या ध्यान, मनुष्य को सिद्धि के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा भक्ति करनी होती है। स्मरण करना भी ध्यान है किंतु स्मरण किसका किया जाए? मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान का स्मरण करना चाहिए। न केवल श्री भगवान का स्मरण करना चाहिए वरन उनके कार्यों का श्रवण और उनकी महिमा का कीर्तन भी करना चाहिए। यह जानकारी प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में मिलती है। 10,000 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की भक्तिमय सेवा करने के बाद श्री कर्दम मुनि को ध्यान में सिद्धि प्राप्त हुई किंतु इस कलयुग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है क्योंकि मनुष्य अधिक से अधिक 100 वर्ष जीवित रह पाता है। इस समय ऐसा कौन होगा जो योग के अनेकानेक विधि विधानों का कड़ाई से पालन कर सके? साथ ही सिद्धि उन्हें ही प्राप्त होती है जो समर्पित आत्माएं हैं। जहां श्री भगवान के नाम का उल्लेख तक न हो वहां आत्मसमर्पण कैसा, और जहां श्री भगवान का ध्यान तक न हो वहां योग कैसा? दुर्भाग्यवश इस युग में विशेषतया जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वे ठगे जाना चाहते हैं। अतः श्री भगवान ऐसे वंशकों धोखा देने वालों को भेजते हैं जो उन्हें योग के नाम पर पथभ्रमित करते हैं और उनके जीवन को निकम्मा बना देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 16.17 में स्पष्ट उल्लेख है कि चालबाज लोग अवैध धन को संचित करके गर्व से फूल जाते हैं और किसी प्रामाणिक ग्रंथ का अनुसरण किए बिना योग का अभ्यास करते हैं। उन्हें इस धन का घमंड हो जाता है जिससे उन्होंने निर्दोष व्यक्तियों से लूटा खसोटा है और जो स्वयं धोखा खाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। तो बाह्य रूप से अगर क्रिया एक जैसी भी दिखे तो भी यह पुष्टि नहीं है कि वह क्रिया प्रमाणित है कि नहीं। मानो कुछ दो चार बच्चे मिलकर के कुछ लकड़ी बटोर लें और उसमें आग लगा दें और वो बोले हम हवन कर रहे हैं, तो हम उस यज्ञ को यज्ञ नहीं मानेंगे क्योंकि वो विधि नहीं है। हाँ दिख रहा है एक जैसा कि ब्राह्मण भी तो लकड़ियां जला करके यज्ञ करते हैं,
और कुछ दो चार बच्चे भी यज्ञ का बहाना करके लकड़ियां जलाएं, तो वो अपने आप को भी संकट में डाल सकते हैं, दूसरों को भी संकट में डाल सकते हैं। उसी प्रकार से योग के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वास्तविक योग क्या है? भक्ति योग, जहाँ भगवान का नाम, भगवान कथा का श्रवण, भगवान के भक्तों की सेवा, इसके माध्यम से जीवात्मा अपने आप को भगवान के साथ पुनः संपर्क स्थापित करने में अग्रसर होता है। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षा कृते योगे दर्शयाम सा ताम शक्तः शाब्दं ब्रह्म ददत् वपुः। अनीता साहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब सतयुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर कदम मुनि को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। हरे तो ये कृष्ण। सतयुग की बात है। सतयुग में कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक इस तरह भक्ति योग में संलग्न रहे, उस तपस्या से प्रसन्न होकर के अंबुजाक्ष भगवान कर्दम मुनि को दर्शन देते हैं। तात्पर्य अमित अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रथम तो यह कि श्री कदम मुनि ने सत्य युग के प्रारंभ में योग साधना द्वारा सफलता प्राप्त की, जब मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। श्री कदम मुनि को सफलता मिलने के उपरांत श्री भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने रूप का दर्शन दिया, जो काल्पनिक न था। अक्सर निर्विशेषवादी यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य जिस मनमाने रूप को चाहे अपने मन में धारण कर सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री भगवान ने श्री कर्दम मुनि को जो रूप दिखलाया वह वैदिक साहित्य में वर्णित है। शाब्दम ब्रह्मा का अर्थ है वैदिक साहित्य में श्री भगवान के रूपों का स्पष्ट उल्लेख है। श्री कर्दम मुनि ने श्री भगवान के किसी काल्पनिक रूप की खोज नहीं की, जैसा कि आजकल के धूर्त कहते हैं। उन्होंने श्री भगवान के नित्य आनंदमय तथा दिव्य रूप को साक्षात देखा। हरे कृष्ण। पूछिए। आध्यात्मिक मार्ग में हम मन को नियंत्रण करने के लिए ही अग्रसर होते हैं, और अगर मानसिक कल्पना के ऊपर ही अगर हम ध्यान लगाएंगे, तो मानसिक कल्पना के ऊपर ध्यान लगा करके हम किस गंतव्य पे पहुंचेंगे? मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया है कि मैं पागल हूं, मुझे पागलपन का इलाज चाहिए, तो डॉक्टर उस पागल से थोड़ी बोलेगा कि तुम कौन सी दवाई तुम्हें पसंद है तुम उठा लो, तो वो तो अपना ही नुकसान कर बैठेगा। उसी तरह अनियंत्रित मन से संकल्प करना, अनियंत्रित मन से अपना खुद का ही भगवान बना लेना, ये तो और ही ज्यादा पागलपन, इससे तो और ही उसका पतन होने वाला है। तो हम लोग जो भगवान का ध्यान करते हैं, वह शास्त्र उन्मुख भगवान के ध्यान करने में हम भक्त का देह होता है, भक्त का योग होता है भगवान के चिदानंद रूप के ऊपर ध्यान करना। जो अलौकिक ध्यान करते हैं वह भगवान का रूप, अभी आगे कुछ श्लोकों में वर्णन होने वाला है कि भगवान का रूप कैसा है, वो कैसे दिखते हैं। ये हमने पहले भी देखा था जब भगवान चतुष कुमार के सामने प्रकट हुए थे, अभी आगे उस तरह वर्णन है। उसके बाद कर्दम मुनि की प्रार्थना। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की। समवेत भक्तवृंद की।